एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री को बीच चौराहे पर गोली मार दी जाती है और उनकी मौत हो जाती है। जी हाँ, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को बीच चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है, वो भी बताऊंगा, और हमारे देश के बड़े बड़े राजनेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि आज सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिससे भी दोस्ती करते हैं, जिससे भी अपने रिश्ते बनाते हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ता है। जी हाँ, शिंजो आबे जिनकी हत्या हुई है वो बहुत ही दुखद है। पूरी दुनिया के राजनेता उस पर शोक जता रहे हैं और ये बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका में जाके ट्रंप के लिए हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार किया तो ट्रंप की हार हो गई, उनको राष्ट्रपति चुनाव हारना पड़ा। वहीं उसके बाद बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं वो भारत आकर बुलडोजर पर फोटो खिंचवाते हैं और बुलडोजर राजनीति को प्रमोट करते हैं, और अब उनकी हालत ये है कि उनको भी इस्तीफा देना पड़ सकता है क्योंकि उनके ही सांसद और उनके ही मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। वो मामला पूरा क्या है वो भी बताऊंगा। उसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि शिंजो आबे जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दुख जताया है और एक दिन की यानी कि 9 तारीख को शोक मनाने की घोषणा की है, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दोस्त अब वो दुनिया से चले गए। अब लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने अशुभ है, इतने अनलक्की हैं कि जो राजनेता उनसे दोस्ती करता है उनको नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे ट्रंप हो या बोरिस जॉनसन हो या अब शिंजो आबे हो। लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोग कह रहे हैं हम उनसे इत्तेफाक नहीं करते हैं, इस तरीके की धारणाएं बनाना, इस तरीके की बातें करना एक गलत बात है क्योंकि किसी का जान लेना या देना किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अब बात करते हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की। जी हाँ, बोरिस जॉनसन को लेकर इंग्लैंड में एक उथल पुथल मची हुई है। उन्हीं के दो मंत्रियों ने, एक साजिद वाजिद और दूसरा सुमन जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आरोप उन पर यह था कि बोरिस जॉनसन ने एक सांसद जिनका नाम पंचर बताया जा रहा है उनको, उन पर आरोप थे यौन उत्पीड़न के। उसके बावजूद भी बोरिस जॉनसन को ये चीज पता थी, लेकिन उन्होंने ये सारी बातें ताक पर रख कर जो उन पर आरोप लगे थे उनको एक पद दिया था, जिसके बाद वहां की जो ओपोजिशन पार्टी है उन्होंने तो आवाज उठाई, साथ में जो बोरिस जॉनसन की पार्टी के सांसद थे या मंत्री थे उन्होंने भी आवाज उठाई, जिसको लेकर दो मंत्री ने, एक साजिद वाजिद जो पाकिस्तानी मूल के हैं, दूसरा सुमन जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और साफ साफ कहा है कि इस तरीके के जो दागी सांसद हैं उनको संसद में या किसी भी ऐसे पद के लिए मनोनीत करना बहुत ही दुखद था और बोरिस जॉनसन को ये सारी चीजें पता थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उनकी नियुक्ति की। तो आप समझिए, यह होता है असली राष्ट्रवाद, यह होती है असली देशभक्ति, यह होता है लोगों के अंदर जमीर का जागना। लेकिन भारत में क्या होता है आप देख सकते हैं। आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से संसद में और विधानसभाओं में दागी एमएलए जा रहे हैं, आपराधिक मामलों में जिनका नाम है वो एमएलए जा रहे हैं, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है। तो आप समझिए, एक तरफ इंग्लैंड है जहां पर बोरिस जॉनसन के मंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं क्योंकि उनकी कार्यशैली पर सवाल उठता है, वो जानबूझकर एक दागी सांसद को एक पद दे देते हैं जिसके बाद उन्हीं के सांसद बगावत करते हैं, आवाज उठाते हैं क्योंकि वो दागी थे, उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप थे। तो आप समझिए, वहीं दूसरी तरफ भारत में जो बम धमाकों के आरोपी हैं उनको सांसद बना दिया जाता है, जिन पर दंगा भड़काने के आरोप थे वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं, जिनको एक राज्य ने तड़ीपार कर दिया था वो होम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ये है दो लोकतांत्रिक देश की कहानी या सच्चाई। एक तरफ वहां के जो सांसद हैं वो अपना जमीर जगाते हैं और देशभक्ति के लिए, देश हित में वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतने तमाम सांसद हैं, तमाम मंत्री हैं जो देख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। अब बात करते हैं जिस तरीके से बोरिस जॉनसन ने भारत में आकर बुलडोजर पर फोटो खिंचाकर बुलडोजर राजनीति को प्रमोट किया था, उसके बाद से उनके लिए बहुत ही समय खराब हो गया। आज उनकी हालत ये है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिंजो आबे के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो हत्या हुई है, जो उनका आरोपी है,
उसको बताया जा रहा है कि वो जापान मेरीटाइम डिफेंस का सदस्य था, यानी कि वो सेना में काम कर चुका था और प्रोफेसर भी था, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था। लेकिन उसने क्यों शिंजो आबे को मारा इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जापानी मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि उनकी पर्सनल कुछ गरज थी, जिसके चलते उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के। उन्होंने कल यानी कि 9 तारीख को शोक सभा का ऐलान किया है शिंजो आबे की याद में, जो उनके साथ निर्मम हत्या की गई है, जो उनके साथ घटना घटी है जिसके बाद उनकी जान चली गई। और इसके अलावा हमारे देश के जो राजनेता है उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने लिखा है, शेयरिंग ए पिक्चर फ्रॉम माई मोस्ट रिसेंट मीटिंग विद माई डियर फ्रेंड शिंजो आबे इन टोक्यो, ऑलवेज पैशनेट अबाउट स्ट्रेंथनिंग इंडिया जापान टाइज, ही हैड जस्ट टेक ओवर द चेयरमैन ऑफ जापान इंडिया एसोसिएशन। तो मोदी जी ने जो उनके साथ तस्वीरें थी वो शेयर की है और लिखा है कि किस तरीके से जो शिंजो आबे थे वो भारत और जापान के रिश्तों को लेकर कितने प्रतिबद्ध थे और उनको मजबूत करने में कितना अहम योगदान निभा रहे थे। इसके अलावा इन्होंने ऐलान किया है, एज ए मार्क ऑफ आवर डीपेस्ट रेस्पेक्ट फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आबे शिंजो, ए वन डे नेशनल मॉर्निंग शॉल बी ऑब्जर्व ऑन 9 जुलाई 2022। तो कल शोक रहेगा। इसके अलावा ये देखिए, केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है, सैडेंड टू नो अबाउट द डिमाइज ऑफ फॉर्मर पीएम ऑफ जापान शिंजो आबे, द वर्ल्ड हैज लॉस्ट ए ग्रेट लीडर, मे द डिपार्टेड सोल रेस्ट इन द पीस, माय प्रेयर आर विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो केजरीवाल ने भी शोक जताया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हुए कातिलाना हमले की विश्व स्तर पर घोर निंदा की जानी चाहिए, हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य और लाभ जीवन के लिए कामना करते हैं, असहमति और नाखुश होने का तात्पर्य ये नहीं है कि लोग हिंसक हो जाएं। और ये वो बात जो मैंने आपको बताई थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संसद और विधानसभाओं में अपराधियों की बढ़ती संख्या खतरनाक है, देश का लोकतंत्र अपराधियों और ठगों के हाथों में जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। जिस तरीके से तमाम जो दागी एमएलए या विधायक हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और मंत्री पद पर बने हुए हैं, इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है कि जिस तरीके से अपराधियों ठगों की तादाद विधानसभा और संसद में बढ़ती जा रही है वो बहुत ही खतरनाक है एक लोकतंत्र के लिए। तो ये खबर थी कि किस तरीके से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को बीच चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और जापान में ये कोई पहला मामला नहीं है, वहाँ पर इतिहास रहा है जो बड़े बड़े राजनेता हैं सीएम पीएम उनकी हत्या होती आती रही है। इससे पहले भी एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।